नमस्कार, आप सभी का एक बहुत बड़ा सपना लेकर जब छात्र छात्राएं प्रयागराज की धरती पर आते हैं तो सबसे बड़ा हाथ उनके पीछे किसी के माँ बाप का ही रहता है। और आज हमारे साथ यहाँ पर जो बच्चे इस बार सीयूटी यूजी 2024 में नए आए हुए हैं, उनके माता पिता आज हमारे साथ जुड़े हैं और ये सब बहुत उम्मीदें लेकर आपसे आए हुए हैं इस प्रयागराज की धरती पर। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अगर आपका नाम लिखवाए हैं तो भविष्य में आपको एक अधिकारी, एक अच्छा इंसान बनना देखना चाहते हैं। तो आज जानते हैं सबसे पहले आप कहाँ से हैं सर? गाजीपुर से। मैं गाजीपुर से। आप हैं किसमें, आपकी मतलब बेटे का कि बेटी का एडमिशन? ये भांजी मेरी है जो बीएससी का प्रथम ली है, यूनिवर्सिटी में आया है, उसमें एडमिशन करना चाहते हैं हम लोग। और सर आपका जो वीडियो देखते हैं इसीलिए हम लोग रुट के आए हैं। और सर आपसे बहुत ये भाग्य हमारा हुआ कि आपसे मुलाकात हुई। अरे मतलब मैं तो सूचना देता था। बाकी आंटी यहाँ पर जुड़ी, आंटी आप कहाँ से? हम कटिहार से हैं। हम कटिहार से हैं। वीडियो देखते थे कि नहीं देखते? हम आपका वीडियो हमेशा फॉलो करते थे, आपका वीडियो का इंतजार करते थे। हमें लगता था कि आज रोज दिन आप नए नए कुछ बताते हैं, आप बच्चे लोग को नए नए बताते हैं और सही बताते थे। आप ही के वीडियो देख के मेरे बच्चे आज इतने आगे बढ़े, आज यहाँ तक हम पहुँचे आप ही की वीडियो देख के हम। अच्छा, क्या सपना आपने, लड़की आई है कि लड़की है? बेटी है। क्या सपना लेके आई है आप? सपना तो बहुत अच्छा सपना तो क्या कहे, सपना तो है लेकिन जब पूरा हो तो सपना। लेकिन हाँ, जब तक सपना यही है कि पहले आपसे भेंट होता बच्चे को मेरी, यही कि आप उसको अच्छे गाइडलाइंस दिए, अच्छी अच्छी चीज दिए। यूपीएससी का उसका एक एम है और बच्चे मेरी यूपीएससी सबका ही टारगेट होता है। जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए करता है बच्चा, उसके माता पिता हमेशा ये सोचते हैं कि आईएएस की फैक्ट्री कही जाती है। तो वीडियो आप देखी थी? जी जी, हम देखे थे वीडियो। पहले तो मेरी बेटी देख रही थी लेकिन फिर जब हमको पता चला तो हम भी वीडियो देखे कि कुछ हेल्प होगा, क्योंकि कभी आए नहीं यहाँ, तो वही हम देखे तो दिखा रहे थे अपनी लड़की को। तो करी इनका वीडियो तो हम देख ही रहे हैं। बहुत बच्चे होते हैं अपने मतलब मम्मी पापा भाई बहन सबकी मोबाइल में सब्सक्राइब करवा लेते हैं, उसके बाद से जैसे कोई सूचना आती है तो। अनकल आप कहाँ से हैं? बनारस से सर। क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे एडमिशन टाइम तो आपका? पूरा सारा यानी जो जितने भी बच्चे यानी लिए आपका यानी सारा यानी आपकी गाइडलाइन उसी से आप आगे बढ़े, तो वहाँ तक बच्चे आए तभी आपके यानी, अगर आपकी गाइडलाइन नहीं मिलती तो शायद ही बच्चे यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँच पाते थे। पर नहीं, बच्चे आपके हॉस्टल का फॉर्म भरने अंदर गए हैं, तो अभी जब वो आके जब वीडियो देखेंगे, जब मैं पोस्ट करूंगा, तो क्या सपना आप देखना चाहते हैं, क्या सपना लेकर आए हैं आप? ये सब सपने तो बहुत होते हैं मगर जब सपने पूरे हो जाए तो अच्छे होते हैं। आईएएस पीसीएस बनने के सपने सभी के हैं। बेटियां हैं, मेहनत कर रही हैं, रात दिन लगी हुई हैं, आप उसका गाइडलाइन दे रहे हैं उनके, उसी लिए आपके साथ में लगे हुए हैं। बच्चे भी लगे हुए हैं, जो उनके सपने पूरे हो जाए तो अच्छे होते हैं। देखिए कितने ज्यादा माँ बाप ने आपसे उम्मीदें की हैं और अब आपको इस प्रयागराज के शहर में अकेला वो छोड़ के जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी चीजें आपको उनके सपने को पूरा करना। सर आप कहाँ से हैं? हम मुंगेर बिहार से। अच्छा, बिहार से आए हैं, इतना दूर यहाँ पर आए हैं। तो आपकी बिटिया किस चीज में एडमिशन? मेरी भतीजी है पॉलिटिकल साइंस में। देखिए चाचा साथ आए हैं भतीजी के, तो अच्छा ये भी आए हुए हैं पिताजी भी। तो क्या सपना है मतलब इतना दूर आप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं? सपना कि अच्छा यहाँ पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था है और पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो सपना पूरा हो जाएगा। देखिए पढ़ लिख के आपको कुछ बनना है क्योंकि घर परिवार की बहुत उम्मीदें रहती हैं आपसे। अंकल भी हमारे साथ हैं। अंकल क्या एक्सपीरियंस रहा पूरे एडमिशन टाइम? देखिए शायद आपका नाम अभिनव द्विवेदी है। तो जब मेरी बच्ची का वो जो परीक्षा चली इन लोग का, तो पूछा कि अरे कैसे क्या जान रही है, कहा कि पापा एक वीडियो चलता है द्विवेदी जी का, उसे बहुत सारी जानकारी मिली। देखिए जो हकीकत हम वही बता रहे हैं, इसीलिए हम लोग बहुत दूर है, बिहार मुंगेर से हैं, जानकारी नहीं के बराबर मिल पाती, लेकिन आपका वीडियो जो है वो पूरी जानकारी दिया है और इससे सभी बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं और बच्चे में कुछ है तभी तो यहाँ तक आया है। इसीलिए हम यह नहीं कर सकते हैं कि मेरा बच्चा यही होगा, लेकिन मेरा बच्चा कुछ जरूर होगा जिसमें आपका मार्गदर्शन रहेगा। नहीं नहीं ये तो अच्छी बात है, ये एकदम पर जो आप लोग ताली बजाइए। मैं सच कहा हूं कि बहुत शानदार अंकल ने कहा है जीवन में। देखिए आप लोग वहां से इनको पढ़ाने लिखाने के बाद यहां भेज रहे हैं, तो यहां पर भी आज मार्गदर्शक के रूप में कभी भी बच्चों का साथ हम छोड़ेंगे नहीं। सर आप कहां से हैं? मैं बिहार कटिहार से हूं। बिहार कटिहार से, बिहार के लोग ज्यादा आए हुए हैं यहां पे, तो मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? कट ऑफ ऊपर जाती थी नीचे जाती थी? आपका मार्गदर्शन मिल रहा था तो हम लोग सोच रहे थे
कि आपका मार्गदर्शन मिलेगा और उसी जैसे जैसे कट ऑफ आएगी हमारी बच्ची इसका लाभ जरूर लेगी और लाभ ली। और मैं प्रयागराज की धरती से सबसे पहले आपको बधाई और शुभकामनाएं देते हैं कि आपके वीडियो से जो हमारे बिहार के यूपी के बच्चे जो लाभ लिए हैं, हाँ, जो उनको मार्गदर्शन आपने दिया, तो इसके लिए आज सभी लोग यहाँ तक पहुँच करके फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा योगदान आपका है, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद और बधाई। देखिए, मैं तो सिर्फ सूचना देता हूँ कि इंडस्ट्री और बच्चों के बीच में एक लिंक का मैं काम करता हूँ, बाकी आपकी बिटिया ने आप अपनी मेहनत से इसको मुकाम को पाया है। बहुत सारे बच्चे अभी भी वेट कर रहे हैं कट ऑफ का, लेकिन इतनी अच्छे कॉम्पिटिशन में इतना अच्छा फाइट कर जाना, ये उसकी काबिलियत है। और ये आप सबका अच्छा कर्म है कि आपकी बिटिया इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एक प्रतिष्ठित संस्थान में अब पढ़ रही है। कुछ और बताना चाहेंगे, कट ऑफ जब गिर रही थी तब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यूपीएससी के लिए हब माना जाता है, और आपने जो मार्गदर्शन दिए इसमें हमारे जितने भी बच्चे, हमारे जितने भाई बंधु लोग यहाँ पहुंचे हैं, सारे के बच्चे जो है यहाँ से सफल होकर करके आगे निकले, और इसमें आपका मार्गदर्शन में वो बच्चियां हमेशा आपको याद करेगी। यही निकलेगा जी, यही निकलेगा, ये बोलिए, बगैर आपके बच्चा पूर्ण सफल नहीं हो सकता। आप ही का मार्गदर्शन से मेरी बच्ची आज आगे आई है, आज यहाँ तक पहुँची है। आपकी बात से ना, आपके वीडियो से ना, बच्चे में एक खुशी उत्पन्न होता है, एक हिम्मत बनता है, एक इसके अंदर ताकत बनती है, और क्या, उस ताकत से उसके गार्जियन में, उसके अभिभावक में जो है ना ताकत पैदा होती है, अब बूढ़ा शरीर में उठ खड़ा होता है। अरे सर, बहुत ही ज्यादा एक बहुत ग्रेट मोमेंट रहता है किसी के लिए, ये सच्चाई है। हम नहीं दिखे, हम इसके पहले आपको नहीं जान रहे थे कि आप कौन है, नहीं है। जब मेरी बेटी इस दौड़ में आई तो आप, यह मैं आपको बताए कि अरे कैसे जान रही है, तो सब प्रथम वो आपका नाम ली, क्यों, वे एक भैया है, एक सर है जो मार्गदर्शन दे रहे हैं, उसके हिसाब से हम चल रहे हैं। कल ये क्या लग रहा है, कल के उनके मार्गदर्शन में चल रहे तो हो ही जाएगा, और देखिए आज हो गया और आपके सामने खड़ा है। मेरी बच्ची अंदर है, वो काम कर रही है, और आगे भी हो ही जाएगा, फिर उसके आगे भी हो जाएगा, जब तक आप हैं तो हो ही जाएगा, हो जाएगा, बिल्कुल भी परेशान किसी को नहीं होना है। पूरा एडमिशन अभी आपका हो गया है, अभी आपका यूनिवर्सिटी जब ओपन होगा तो सिलेबस हुआ, नोट्स हुआ, ये सब बहुत सपना लेकर आपके अभिभावक आए हुए हैं, इनका सपना पूरा आपको करना है। अब आपको ये ठानना है कि आपको दिन रात एक कर देनी है कि प्रयागराज शहर में आने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे भागे हो जाते हैं, जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाते, उनको विश्वविद्यालय में कमियां दिखती रहती हैं, उनको यूनिवर्सिटी की बुराई करनी रहती है, लेकिन हकीकत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय आज के समय में वास्तव में बहुत बदल चुका है। टीचर्स की वैकेंसी फुल हो गई है, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बच्चे पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के रिजल्ट आना स्टार्ट हो गए हैं, टीसीएस में सिलेक्शन होना स्टार्ट हो गए हैं, जज बनना स्टार्ट हो गए हैं विश्वविद्यालय से, तो ये आपके ऊपर डिसाइड करता है कि आप अपने इन, इसमें तो 4-5-6-7 ही लोग खड़े हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी, अगर आप यहाँ हैं तो आपके माता पिता का हाथ आपके ऊपर जरूर होगा, तो उनके सपनों को पूरा करिएगा, उनके सपनों के साथ न्याय करिएगा, और इस न्याय की जर्नी में, इस सफलता की आपकी जर्नी में हमारा साथ आपको हमेशा मिलता रहेगा, इसके लिए आप पूरा निश्चिंत रहिए, आप बिल्कुल भी परेशान मत रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।